संजय दत्त ने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्में देशभर में इसलिए कामयाब हो रही हैं क्योंकि उनमें हीरोइज्म है। उन्होंने कहा, हम बॉलीवुड में हीरोइज्म क्यों भूल गए हैं, साउथ ने हमेशा ही हीरो को बड़ा दिखाया है। विकी कौशल ने एक वीडियो को हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो गंगा नदी में हाथ जोड़े सूर्य को प्रणाम करते दिख रहे हैं। विकी कौशल का शिव भक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाबी गाने पर ऐश्वर्या राय ने दीपिका पादुकोण के साथ लगाई जोरदार ठुमके। सुखबीर सिंह के मशहूर सॉन्ग इश्क तेरा तड़पावे पर ऐश ने दीपिका के साथ डांस किया। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को जनवरी में साथ पे देखा गया था। उस समय पपराजी को देखकर पलक ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। अब पलक ने एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया कि उन्होंने अपनी मां से झूठ बोला था और वो घर के लिए निकल चुकी है। बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट से उबरने के बाद अपने शो पर कमबैक कर चुकी हैं। हाल ही में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ डिनर पर स्पॉट हुई। दोनों का खास अंदाज देखने को मिला। नुसरत जहां ने हाल ही में फैंस के साथ शेयर किया ट्रेडिशनल अवतार, पिंक फ्लोरल लहंगे में तस्वीरें शेयर की। नुसरत के पास फिलहाल फिल्मों की लाइन लगी हुई है, वो जल्दी ही कई बंगाली फिल्मों में नजर आने वाली है। फिल्म दसवीं में बिमला देवी के किरदार में ढलने के लिए निमृत कौर ने बढ़ाया था 15 किलो वजन। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में निमृत ने खुलासा किया कि उन्हें अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। सोनम को उनके फोटोशूट्स के लिए जाना जाता है और अब वो अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। शादी के 5 दिन बाद एक्टर रणबीर कपूर काम पर लौट चुके हैं। आज उन्हें धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस सजाते वक्त स्पॉट किया गया। इससे पहले फिल्म की डबिंग करने के बाद स्टूडियो से निकलते हुए रणबीर को देखा गया था। आमिर खान ने अपने बेटे आजाद के साथ उठाया आम का लुत्फ। आमिर खान की बेटे संग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आमिर और आजाद को आम खाते हुए देख किसी के बंदे भी लालच आ सकता है। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट गहराता जा रहा है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर मचा हाहाकार। उद्योगों में 4 से 5 घंटे तक बत्ती खुल रही। टिहरी में NH-94 पर नागड़ी के पास नया स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार गिर रहे मलबा और बोल्डर। इसके ट्रीटमेंट के 25 अप्रैल तक NH-94 रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा बंद। द्वाराहाट बाजार में मीट की दुकानों को लेकर विवाद हुआ। द्वाराहाट के त्रिमूर्ति चौराहे पर मीट की दुकान खोलने को लेकर आपस में लोग भिड़ गए। हिमकुंड यात्रा मार्ग पर काकबुशुंड की पहाड़ियों में हिमकंड पिघलकर नाले में बहने की तस्वीरें सामने आई। भिंडार के पास काकबुशुंड की पहाड़ियों में पिघल रहे हिमखंड। नैनीताल के जंगलों में लगी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं जंगली जानवर। रिहायशी इलाकों में गुलदार ने गाय और कुत्तों को बनाया निवाला। वन विभाग ने कहा, जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा पिंजरा। पूर्व लोकसभा सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा ने किया नैनीताल का दौरा। होटल में रुक कर किया लंच, पहली बार नैनी झील का किया दीदार। खटीमा के सरकारी स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया।